तो आज मैं आप लोगों को मेरे तीन फेवरेट इफेक्ट्स एंड टूल्स बताऊंगा जिनको मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं मेरे YouTube वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। बट उसके पहले आप लोगों के लिए है एक अनाउंसमेंट। रिसेंटली फिल्मोरा ने अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर गेन किया है मोर देन 8 लाख सब्सक्राइबर। तो इस खुशी में फिल्मोरा अपने ऑडियंस के लिए लेके आया है कुछ रिवॉर्ड्स, जिसमें पूरे 100 विनर्स जीतने वाले है GoPro, DJI वायरलेस माइक, स्मार्टफोन, वीडियो व्लॉगिंग किट एंड फिल्मोरा विथ इफेक्ट्स एंड प्लगइन्स। तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो लिंक्स पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड वीडियो पर कमेंट भी करना है। अब दूसरा अनाउंसमेंट यहाँ पर ये है, अब आप फिल्मोरा का ईमेल साइन अप करके भी जीत सकते हैं पूरे $50। तो ईमेल साइन अप करने का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में। तो मेरी ओर से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। तो हम बात कर रहे थे इफेक्ट्स एंड फिल्मोरा टूल्स के बारे में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं क्रोमा की, ऑटो सिंक एंड टेक्स्ट टू स्पीच। इफेक्ट्स में हम देखने वाले हैं फेस ऑफ इफेक्ट्स, ग्लिच डिस्पर्शन एंड क्रॉप इफेक्ट। तो चलिए जल्दी से अब चलते हैं फिल्मोरा में। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार के दो फुटेज है, तो पहले वाले फुटेज को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन क्रोमा की। इसने ऑटोमेटिकली जो है कलर को डिटेक्ट कर लिया है। अब लैपटॉप की स्क्रीन का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो नीचे वाले लेयर में हम सेकेंड फुटेज को लेकर आएंगे एंड अपने हिसाब से उसकी साइज को हम एडजस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। अब हम देखने वाले हैं टेक्स्ट टू स्पीच, जिसके लिए हमें जरूरत है एक टाइटल का। अब नोटपैड के अंदर मेरे पास कुछ रेडीमेड टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके उसको मैं पेस्ट करूंगा। अब क्लिक करेंगे ये वाले आइकन पर, तो वॉइस के लिए हमारे पास कई सारे चॉइसेस है। उसके अलावा यहाँ पर स्पीड एंड पिच को भी हम बदल सकते हैं एंड दैट्स इट। A piece of equipment that you use for taking photographs or moving pictures. तो सबसे पहले हम ऑडियो को वीडियो के अंदर से हम डिटेच करेंगे। अब ये दोनों ऑडियो फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे ये वाले आइकन पर, तो हमारा एक्सटर्नल ऑडियो सिंक हो चुका है। उसके बाद हमारे वीडियो को हम एडजस्ट कर लेंगे। वेलकम बैक एवरीवन, दर्शन इज हियर। तो फिलहाल मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूं फिल्मोरा का ऑटो सिंक फीचर का। वेलकम बैक एवरीवन, दर्शन इज हियर। तो फिलहाल मैं आप लोगों को डेमो दिखा रहा हूँ फिल्मोरा का ऑटो सिंक फीचर का। ये वाले फुटेज पर हम अप्लाई करने वाले हैं फेस ऑफ इफेक्ट। अप्लाई करने के लिए जाएंगे इफेक्ट पैनल के अंदर और यहाँ पर सर्च करेंगे फेस ऑफ, और ये ऑटोमेटिकली फेस को डिटेक्ट कर लेता है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर और भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं ग्लिच डिस्पर्शन इफेक्ट। फुटेज पर अप्लाई करेंगे और उसकी साइज को हम एडजस्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। तो ये है फाइनल आउटपुट। यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ क्रॉप इफेक्ट। अप्लाई करने के लिए जाएंगे इफेक्ट पैनल के अंदर और सर्च करेंगे क्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वीडियो पर। अब डबल क्लिक करेंगे क्रॉप इफेक्ट पर, तो सिर्फ मैं यहाँ पर टॉप एंड बॉटम की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम सिनेमेटिक बार को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय फॉर नाउ।